दोस्तों, क्या हमने कभी सोचा है कि आदिमानव की कितनी प्रजातियां हुआ करती थी? और क्या हमने कभी यह भी सोचा है कि आखिर आदिमानव की इतनी प्रजाति विलुप्त क्यों हुई? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हमें लाखों वर्ष पीछे जाना होगा। आज से करीब 1 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों को हर दिन जिंदा रहने के लिए अनेकों संघर्षों का सामना करना पड़ता था। उन्हें पेट भरने के लिए अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर जंगली जानवरों से लड़कर उनका शिकार करना पड़ता था। कहा जाए तो वे बेहद दुर्गम स्थानों की परवाह किए बिना वह विश्व के अनेक भागों में विस्थापित होने में सक्षम हुए। हालांकि 2 लाख साल पहले जाए तो होमो सेपियंस केवल अफ्रीका में विकसित होने वाली एक नई होमो प्रजाति थी, जबकि होमो इरेक्टस और होमो हेडलबर्गेंसिस जैसे कथित पूर्वज पहले ही यूरेशिया के कुछ हिस्सों का पता लगाने के लिए अफ्रीका से परे यात्रा कर चुके थे, जिनमें नियंडरथल और डेनिसोवन जैसी सहयोगी प्रजातियां भी थी। दोस्तों, ह्यूमन एवोल्यूशन से जुड़ी सभी घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका एक लाइक हमारी टीम को मोटिवेट करता है, जिससे कि हम एक और नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंचा सके। तो बिना किसी देरी की बढ़ते हैं आदिमानव की इतिहास की ओर। कैसे, कब और क्यों हमारी साथी होमो प्रजातियां और होमो सेपियंस हर जगह घूमना शुरू हो गए थे, इस पर गर्मागर्म बहस हो रही है। प्रारंभिक मानव प्रवास व शिकार के लिए समूह बनाकर घूमते थे। जहां कुछ समूहों के लिए जलवायु में बदलाव होने के कारण उन्हें नई भूमि की तलाश करने के लिए प्रेरित होना पड़ा, वहीं अन्य लोग बेहतर भोजन स्रोतों की तलाश के लिए भटकते रहे होंगे। कुछ प्रजाति शत्रुतापूर्ण या प्रतिस्पर्धी यानी पड़ोसियों से बचने के लिए, या बस जिज्ञासु जोखिम लेने वाले लोग जो परिस्थितियों व दृश्यों में बदलाव चाहते होंगे, वह सभी अफ्रीका के जंगलों से पलायन करने लगे। इंडोनेशिया में लियांगबुआ में पाया जाने वाला होमो फ्लोरेसेंसिस अफ्रीका के बहुत प्रारंभिक और अभी भी अज्ञात प्रवासन का वंशज हो सकता है। लाखों साल पहले होमो इड्स, जिनमें होमो यानी हमारी प्रजाति के साथ साथ महान वानरों के पूर्वज भी थे, वह न केवल अफ्रीका में बल्कि यूरेशिया के कुछ हिस्सों में भी मौजूद थे। हालांकि हमारी अपनी शाखा अफ्रीका में विकसित हुई, हमारे पूर्वज पूर्व और दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदानों में रहते थे। अफ्रीका के बाहर सुरक्षित रूप से पाया जाने वाला सबसे पुराना होमो लगभग 2 मिलियन वर्ष पहले होमो इरेक्टस प्रतीत होता है, और जब व्यापक अर्थ में इसकी व्याख्या की जाती है तो यह निर्धारित होता है कि वह वास्तव में एक प्रभावशाली भौगोलिक सीमा तक फैल गए होंगे। हालांकि होमो फ्लोरेसिएंसिस अफ्रीका के अज्ञात प्रवासियों के वंशज हो सकते हैं, संभवतः होमो इरेक्टस से पहले इनके प्रवास के बारे में सुराग मिले हैं। लगभग 1 मिलियन वर्ष पहले से होमो इरेक्टस को दक्षिण और उत्तरी अफ्रीका में भी देखा गया है। आम तौर पर माना जाता है कि वे 1 मिलियन वर्ष पहले अफ्रीका से बाहर भटकते हुए मध्य पूर्व एशिया होते हुए इंडोनेशिया और चीन की ओर बढ़े थे। माना जाता है कि लगभग 7 लाख साल पहले होमो हेडलबर्गेंसिस अफ्रीका के भीतर होमो इरेक्टस से विकसित हुआ था, फिर उन्होंने पूर्वी, दक्षिण और उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्रों को अपनाया। निःसंदेह अफ्रीका के भीतर भी प्रवासन सामान्य तौर पर होता रहा। हमारे पूर्वजों के विकास के क्रम को 360 से 240 लाख वर्ष पहले तक खोजा जा सकता है। ये वो समय था जब एशिया तथा अफ्रीका में स्तनपायी प्राणियों के प्राइमेट्स नामक श्रेणियों का उद्भव हुआ था। उसके बाद लगभग 240 लाख वर्ष पूर्व प्राइमेट्स समूह में एक उपसमूह उत्पन्न हुआ, जिसे होमिनॉइड कहा गया। इस उपसमूह में वानर यानी एप शामिल थे, और बहुत समय बाद लगभग 56 लाख साल पहले हमें होमोंड प्राणियों के अस्तित्व का साक्ष्य मिला। दोस्तों, होमोंड उपसमूह होमिनॉइड समूह से उत्पन्न हुए, जिसमें काफी समानताएं पाई जाती है, लेकिन कुछ बड़े अंतर भी है। होमिनॉइड का मस्तिष्क होमोंड से कुछ छोटा होता था। वे चौपाई थे, यानी वे 4 पैरों से चलते थे, लेकिन उनके शरीर का अगला हिस्सा और अगले 2 पैर लचकदार थे। इसके विपरीत होमोंड पिछले 2 पैरों पर खड़े हो सकते थे। उसके हाथ विशेष किस्म के होते थे, जिनकी सहायता से वे औजार बना सकते थे और उसका इस्तेमाल भी कर सकते थे। इन 2 प्रकार के साक्ष्यों से हमें ये पता चलता है कि होमोनिडों का उदय अफ्रीका में ही हुआ था।
पहला कि ये अफ्रीकी वानरों यानी एप्स के समूह होमिनिडो से संबंध बहुत गहरा था। दूसरा साक्ष्य सबसे पुराना जीवाश्म जो ऑस्ट्रालोपिथेकस वंश के हैं। वे पूर्वी अफ्रीका में पाए गए हैं और उसका काल समय लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व का माना जाता है। इसके विपरीत अफ्रीका से बाहर पाए गए जीवाश्म 18 लाख साल से अधिक पुराने नहीं थे। होमिन होमिनाइड परिवार के सदस्य होते थे। इस परिवार में सभी रूपों के मानव प्राणी शामिल थे। होमिनिड परिवार के मानवों के अनेक विशेषताएं थी, जैसे मस्तिष्क का बड़ा आकार, पैरों के बल सीधे खड़े होने की क्षमता, दो पैरों के बल चलना और हाथ की विशेष क्षमता, जिससे वे औजार बना सकते थे और उनका इस्तेमाल कर सकते थे। होमिनिडो को आगे कई शाखाओं में विभाजित किया जा सकता है। इन शाखाओं को जेनस कहते हैं। इन शाखाओं में ऑस्ट्रालोपिथेकस और होमो अधिक महत्वपूर्ण है। इन शाखाओं में प्रत्येक के कई प्रजातियां होती हैं। ऑस्ट्रालोपिथेकस और होमो के बीच कुछ बड़े अंतर उनके मस्तिष्क के बड़े आकार, जबड़े और दांतों के संबंध में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रालोपिथेकस के मस्तिष्क का आकार होमो की अपेक्षा बड़ा होता है। जबड़े अधिक भारी होते हैं और दांत भी ज्यादा बड़े होते हैं। दरअसल इन प्रजातियों को वैज्ञानिकों द्वारा जो नाम दिए गए वे सभी लैटिन या यूनानी भाषा के शब्दों से ही बने हैं। आज यह नाम इसलिए भी दिया गया क्योंकि मानव के आदि रूप में उनका एप यानी वानर अवस्था के अनेक लक्षण बरकरार रहे, जैसे होमो की तुलना में मस्तिष्क का अपेक्षाकृत छोटा होना, पिछले दांत बड़े होना और हाथों की दक्षता का सीमित होना। उसमें सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता भी नहीं थी क्योंकि वह अभी भी बहुत सा समय पेड़ों में ही गुजारता था, इसलिए उनके अंदर पेड़ों के ऊपर जीवन जीने के लिए आवश्यक अनेक विशेषताएं अभी भी मौजूद थी। आगे चलकर औजार बनाने और लंबी दूरी चलने की क्रिया में बढ़ोतरी होती गई, तब मानवीय विशेषताओं के लक्षणों का विकास भी होता गया। आदिकालीन मानवों के अवशेष को भिन्न भिन्न प्रजातियों में वर्गीकृत किया गया। इन प्रजातियों को अक्सर उनकी हड्डियों में पाई जाने वाली रचना के आधार पर एक दूसरे से अलग किया जाता था। उदाहरण के लिए प्रारंभिक मानवों की प्रजातियों को उसके खोपड़ी के आकार और जबड़े के विशिष्टता के आधार पर बांटा गया है। ये विशेषताएं वांछित परिणाम प्राप्त होने से ही विकसित हुए होंगे। उदाहरण के लिए दो पैरों पर खड़े होकर चलने की क्षमता के कारण उनके हाथ बच्चों और चीजों को उठाकर ले जाने के लिए मुक्त हो गए, और जो हाथों का इस्तेमाल बढ़ता गया त्यों दो पैरों से चलने की कुशलता भी बढ़ती गई। इससे हाथ का स्वतंत्र होने का लाभ तो मिला ही, पैरों के बल चलने के कारण शारीरिक ऊर्जा की खपत भी कम होने लगी, लेकिन दौड़ते समय यह लाभ उल्टा हो गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।